अच्छा जी, ये दोनों ख्वाहिश करें कि एक दूसरे का ये जहन्नम में जाएं, तो किसकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए? देखते हैं, हम इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा क्या चक्कर है। इसको जाना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, ये केबल कार गिरने वाली है, रस्सी टूटने वाली है, और ये हेल्प के लिए बंदा हमें पुकार है, तो क्या करेंगे? ये लें जी, बच गया है, ठीक है जी। हमने इस बंदे की मदद करनी है क्योंकि ये हेल्प के लिए हमें बुला रहा है, और ये कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। अब हम देखेंगे कि इसकी हमने हेल्प कैसे करनी है, कोई क्लू ढूंढें, कोशिश करते हैं कि हमें क्लू मिल जाए और इस बेचारे की जान बच जाए, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं क्या क्लू है। वी गॉट अ गेट ऑफ दैट रोप, क्या होनी चाहिए? ले जी, ये बच गया, ठीक है जी। जनाब, इस रिडल में देखें, फाइंड द ऑब्जेक्ट्स, आपने ऑब्जेक्ट ढूंढने हैं जो नीचे दिए गए हैं। आई कॉन्ट फाइंड द लॉस्ट आइटम ऑन माई लिस्ट। पहला क्या है? रैबिट। ये हमने ढूंढने कहाँ पे? लें जी, पहला तो ढूंढ गया, अब बॉल ढूंढनी है। ये लें जी, बॉल भी ढूंढ गई। अब ये हमने इंस्ट्रूमेंट ढूंढना है, ये कहाँ पे है? तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं जी इंस्ट्रूमेंट, ये मिल गया हमें इंस्ट्रूमेंट। अब ये हमने गूगल फाइंड आउट करने, ये काम पे हैं, ये हमें गूगल में मिल गई, ठीक है। रिडल हमारी, इस रिडल में हमने वैम्पायर को ढूंढना है, इन चारों में से वैम्पायर कौन सा है, तो आए क्लू ढूंढते और देखते हैं कि कौन सा वैम्पायर है जी। तो ये लड़की वैम्पायर थी। अच्छा जी, ये हैन है, और वो ख्वाहिश करिए कि काश इसके भी चिकन होते, तो हम इनको देखते हैं कि इसकी ख्वाहिश पूरी होती है कि नहीं। लें जी, लें जी, इसकी ख्वाहिश पूरी होगी, इसके चिकन आ गए। अच्छा जी, ये बंदा हेल्प आउट के लिए हमें बुला रहा है क्योंकि इसकी कार को आग लगी हुई है, ये सिलेंडर भी ख़राब है, तो क्या करेंगे, आग को कैसे बुझाएंगे? यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पानी है, तो पानी नीचे फेंकते हैं। लें जी, ठीक है, बचत हो गई। अच्छा जी, ये एक शख्स है और ये मर गया, और ये कह रहा है कि मैंने कई सालों तक लोगों में गलत खबरें फैलाई क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो मुझे और मेरी फैमिली को थ्रेटन कर रही थी। अब देखते हैं कि इसका क्या अंजाम होता है, इसको जन्नत मिलती है कि दोजख। इस पर क्लिक करते हैं हम, ये देखिए, ठीक है। अब आपके लिहाज से इसको क्या मिलना चाहिए, जन्नत या दोजख? तो आइए देखते हैं। क्योंकि वो मजबूर था लिहाजा इसका कुछ। जी जनाब, तो ये रिडल है, इसमें आपने ढूंढना है कि विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट, डे आर मिनट? नहीं जी, तो देखा आपने, मिनट लॉन्गेस्ट है स्पेलिंग के हिसाब से। जी जनाब, इसमें आपने रिडल में बताना है कि कौन सा कपल का ब्रेकअप होगा। अब आपने इसमें क्लू ढूंढना है, पहले हम ए में ढूंढते हैं कि ये क्या चक्कर है, ठीक है। ये हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्लू ढूंढना है कि कपल ए और कपल बी में से किसका ब्रेकअप होना चाहिए। ये देखें, इसमें ए में है माई हस्बैंड विल बी लिविंग सून, ये अपने फ्रेंड को बता रही है कि मेरा जो हस्बैंड है वो जल्दी ही जा रहा है, ठीक है। तो कौन सा जवाब आपके लिहाज से ठीक होगा? मैं ए पे क्लिक करता हूँ, यू आर लिविंग नॉट मी, जी। तो ये ए वाली चीटिंग कर रही थी।